मैं कुछ भी कहने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप बैठ जाएं। देखो ये जो पीछे पे जो एस डिजाइन बनाई ना भगवान ने, बैठने के लिए बनाई है। बढ़िया तरीके से टेक के बैठो साथियों। सुबह से सरकार ये देख रही है कि ये बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, और आप सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आप पहले बैठ के दिखाओ मेरे को, आप बैठो एक बार, सभी साथी बैठो, बैठ के तो दिखाओ एक बार। जो साथी बाहर घूम रहे हैं वो कृपया अंदर आ जाए और बैठे एक बार ध्यान से। जो मैं कहना चाहता हूँ, बोल विश्वकर्मा भगवान की। साथियों आज सुबह से मैं देख रहा हूं, पहले जो मेरे टेक्निकल साथी थे वो एक आवाज में मैं कह देता था कि भाई साहब बैठ जाओ, तो ऐसे लगता था जैसे बिजली नहीं आती क्या तार में, पता नहीं चलता सेकंड के दसवें हिस्से में आ जाती है, उस तरीके का रिएक्शन होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते थे। वो एकता आज यहां पर मेरे को दिखाई नहीं दे रही। हम जब धरने के लिए आए हैं तो हमें बैठना है, पुलिस प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, के पीए का फोन आया है कि आपके प्रतिनिधि मंडल को विद्युत भवन बुला गया। साथियों आप लोग हुटिंग ना करें, मैं कह रहा हूं कि हम जो भी वार्ता करेंगे वो मुख्यमंत्री जी के स्तर की वार्ता होनी चाहिए। निगम स्तर की वार्ताएं हम आज से पहले सैकड़ों कर चुके हैं। साथियों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, क्या आज आप लोगों का भविष्य सुरक्षित है? देखो जोर से आवाज आनी चाहिए, भविष्य सुरक्षित है? क्या आप लोगों की नौकरी सुरक्षित है? क्या निगम सुरक्षित है? चोर लुटेरे डाकू दीमक सब कुछ इस विभाग में लगे हुए हैं। साथियों जब इस प्रकार के हालात हैं, आप सब लोगों को पता है कि हमारे निगमों की क्या स्थिति है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी गणित समझाना चाहता हूं। साथियों आज हमारे विभाग के अंदर, साथियों जब मैंने बोल दिया फिर उस बात को दोहराऊं मत, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे निगमों के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या 1,50,00,000 है। 1,50,00,000 लोगों से हम हर महीने स्थायी शुल्क के रूप में 200 रुपए ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं एवरेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 200 तो मिनिमम है ही है भाई, ज्यादा मत मानो, 200 तो ले रहे हैं। साथियों 200 के हिसाब से, 200 के हिसाब से एक महीने का 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, 600 करोड़ रुपए। और जब 600 करोड़ हम कब ले रहे हैं, हम 600 करोड़ रुपए जब ले रहे हैं उपभोक्ताओं से, जब हम उसको एक पैसे की लाइट नहीं दे रहे तब ले रहे हैं। यूनिट रेट और उसका जो कंजप्शन है वो तो अलग है। जब हम 600 करोड़ रुपए फोकट में ले रहे हैं बिना बिजली दिए, और हमारे पूरी पांचों बिजली कंपनियों का जो वेतन है वो कितना है, 68 से 70 करोड़ रुपए पूरी पांचों बिजली कंपनी वेतन के ऊपर खर्च कर रही है हर महीने। और हमें क्या बताया जा रहा है कि पैसा नहीं है निगम के पास में आपकी तनख्वाहें देने के लिए, क्या ये सही है? साथियों हमारे हकों के साथ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इस विभाग को बदनाम किया जा रहा है,
कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के कमीशन का खेल खेल रहे हैं, और इस कमीशन के खेल में एक दिन साथियों हमारा भविष्य बिक जाना है। मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूं कि आप आइए, अभी आप लोगों को और संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है पुलिस प्रशासन अपना जनरेटर बंद कर दे, यदि जनरेटर बंद कर दे तो भी हमको यहाँ से हिलना नहीं है। हम बिजली वाले, हमें से बिजली का प्रवाह होना चाहिए। और साथियों से मेरा निवेदन है, किसी साथी के जयपुर में रिश्तेदार हो, कोई बुआ फूफा मामा मामी के नहीं जाना है, ठीक है ना? सारे रिश्तेदार यही बैठे हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, यही बैठेंगे। सब लोग सहमत हो ना, दोनों हाथ खड़े करके कहोगे आवाज दो, आवाज दो। साथियों, कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो खून नहीं है पानी है, जिसमें उबाल का नाम नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं। साथियों, आज हम सब साथी जवान हैं, युवा हैं, आज जो हमारी उम्र है वो लड़ने की है। और आप लोगों को पता है जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए हैं। पुष्पक विमान और सोने की लंका रावण के पास थी, जंगल में कौन घूमा? भगवान राम। और आज हम बड़े सम्मान के साथ में किसका नाम लेते हैं? जय श्री राम। साथियों, संघर्ष करोगे तो आपको भी आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से याद करेंगी। पिछला जो आंदोलन था साथियों हमारा जगतपुरा के अंदर, हम सब साथी 2018 में बैठे थे, हमें सिर्फ एक दिन की अनुमति पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई थी। उस समय पर हम सब लोगों ने एकदम अनुशासित उस आंदोलन को 5 दिन तक चलाया। पुलिस प्रशासन ने भी हमारा भरपूर सहयोग किया, क्योंकि वो भी हमारे दर्द को समझ सकते हैं। एक बार सभी साथी मिलकर के जोरदार जयकारा लगाएंगे पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई। कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई। सभी कर्मचारी भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई। साथियों, आपका ये मत समझ लेना, हेलो, वो उनकी ड्यूटियां कर रहे हैं, आप आपकी ड्यूटियां कर रहे हो। आप निश्चिंत रहिए, उनकी तरफ से आप लोगों का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। वो भी चाहते हैं कि जब हमें ओल्ड पेंशन मिल चुकी है तो इन्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा सबका बराबर का होता है। साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों के भर्तृहरि महाराज जी ने हमको अमर पल खिला दिया तो हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। बूढ़े तो हम भी होंगे, बुढ़ापे का सारा साथियों हमें भी चाहिए। इसलिए हम पिछले 1 साल से सरकारों के सामने नतमस्तक होकर के ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन सरकारों ने हमें नहीं सुनी। जब सरकारों ने हमारी नहीं सुनी तो हमने ये तरीका अपनाया कि सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंची है। हो सकता है कि सर्दी का मामला है, मैल भर गया होगा, तो थोड़ा निकाल के आएंगे जयपुर चल के। तो आप और हम सब लोग जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति साथियों तभी होगी जब आप यहाँ पर जमकर बैठोगे, जमकर। जो साथी वहां खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, वो भी बैठ जाए, रात भर यही बैठना है। अभी गीत सुनाने वाले साथी भी आएंगे, अपनी अपनी जगह फिक्स कर लो।
फिर रात में क्या पता ये जो जगह है ये कम पड़ जाए, इसलिए अपनी अपनी जगह अभी से फिक्स कर लो। आपको पता है ना सीट के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, कई लोग सीट और टिकट के लिए कितना भागा दौड़ी करते हैं, ये रिजर्व कर लो अभी। साथियों, संघर्ष के बदौलत सब काम होते हैं। संघर्ष यदि आप सब लोग मिलकर के करोगे तो परिणाम जरूर सामने आएंगे। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सब लोग एकदम मानस बना करके आए हैं। क्यों भाइयों, मानस बना करके आए हो ना? ये जो इधर वाले हैं ये थोड़े थोड़े मायूस से लग रहे हैं। गर्मी आ जानी चाहिए साथियों, मुख्यमंत्री जी तक आवाज जानी चाहिए। वो जो पीछे साथी बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं, बोल दू क्या कैसे बैठे हैं? देखो कईयों को उबासी आ रही है। ओ भगवान, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं वो कृपया अपना जो धरना स्थल है उस पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन के साथियों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम भी आप ही के भाई हैं, किसी भी कर्मचारी साथी को बेवजह परेशान ना करें। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे गहलोत साहब, होश में आओ, होश में आके बात करो। गहलोत साहब, होश में आओ, होश में आके बात करो। ओपीएस लेकर रहेंगे, ओपीएस लेकर रहेंगे, इंटर डिस्कॉम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, इंटर डिस्कॉम लेकर रहेंगे। मेरा ये जो साथी है इसकी प्रबल इच्छा है